आपके साथ प्रीति सिंह। इस बुलेटिन के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बुलेटिन में खबरों के साथ बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं अंतर पहचानो पहेली। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेई मेन 2024 परिणामों में एलन ओवरसीज स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन। 97% एलन ओवरसीज स्टूडेंट्स ने NITs के लिए और 29% स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस 2024 के लिए किया क्वालिफाई। इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में एलन स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन। मनशा और अंतराम विजयराज ने इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफोमेट्रिक्स ट्रेनिंग कैंप के लिए किया क्वालिफाई। IPHO फाइनल टीम में एलन के 4 स्टूडेंट्स शामिल, इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए समझ सेमिनार का आयोजन। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश शर्मा ने स्टूडेंट्स के हर टॉपिक पर खुलकर की बात। कोटा में स्टूडेंट्स को सकारात्मक माहौल देने के लिए तत्पर एलन, मोटिवेशनल सेशंस का किया जा रहा आयोजन। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। जेई मेन 2024 परिणामों में एलन ओवरसीज स्टूडेंट्स ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 97% स्टूडेंट्स ने NITs के लिए और 29% स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। परिणाम आने के साथ ही एलन ओवरसीज UAE में अबू धाबी, JLT, बर्ड दुबई, अल नहदा सेंटर्स और कुवैत सेंटर्स पर जश्न मनाया गया। केक कटकर स्टूडेंट्स का मुंह मीठा कराया और इस गौरवान्वित पल के लिए बधाई दी। आपको बता दें 82 ओवरसीज स्टूडेंट्स ने 90% 46 स्टूडेंट्स ने 95% और 12 स्टूडेंट्स ने 99% स्कोर प्राप्त किया है। 74 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस 2024 के लिए क्वालिफाइड किया है। समारोह के अंत में सभी अचीवर्स को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दी गई। एलन स्टूडेंट्स लगातार नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एलन के 2 क्लासरूम स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफोमेटिक्स ट्रेनिंग कैंप के लिए क्वालिफाई किया है। मनशा क्लास 9th और अनंत राम विजयराज क्लास 11th का स्टूडेंट है। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए एलन अहमदाबाद की ओर से केक कट कर स्टूडेंट और पेरेंट्स का मुंह मीठा कराया और आगामी चरण के लिए ढेरों शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सेंटर हेड पंकज बाल्दी सर, इंजीनियरिंग डिवीजन हेड अंकित अग्रवाल सर, एडमिन हेड अंकित माहेश्वरी सर और PNCF डिवीजन हेड अभिषेक माहेश्वरी सर मौजूद रहे। आपको बता दें इंटरनेशनल ओलंपियाड्स इन इंफोमेटिक्स के 2 चरण इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफोमेटिक्स में प्रोग्रामिंग शामिल है। IOI 2024 की मेजबानी इजिप्ट द्वारा की जाएगी। एक बार फिर एलन स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पर भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए तैयार है। जी हां, ईरान में होने जा रहे 54वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है और इस टीम में 5 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया है, जिनमें से 4 स्टूडेंट एलन से हैं। इसमें आकर्ष राज सहाय, जयवीर सिंह, रिदम केडिया, वेद लाहोटी शामिल है। ये सभी एलन के क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। 54वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में 21 से 29 जुलाई के बीच होने जा रहा है। अंतर पहचानो पहेली का जवाब आप कमेंट करके बताएं। एलन की ओर से स्टूडेंट्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए समझ सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश शर्मा सर ने स्टूडेंट से हर टॉपिक पर खुलकर बात की और जीवन में आने वाले अप एंड डाउन के बारे में समझाया। डॉक्टर हरीश शर्मा ने स्टूडेंट को शांत रहने, स्लीप वेक साइकिल की समझ, एक्सरसाइज और टाइप्स ऑफ फूड की जानकारी से अवगत करवाया। इसके साथ ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के महत्व, इमोशनल शॉपिंग स्ट्रेटजीज और पोमोडोर टाइम मैनेजमेंट तकनीकी के बारे में भी विस्तार से समझाया। सेशन के दौरान स्टूडेंट्स के मन में जो भी सवाल या डाउट थे, सभी को हरीश सर ने दूर किया। सेशन में डॉक्टर हिमांशु सर ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने बच्चों को एलन द्वारा दी जा रही सुविधाएं, ऑल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी का रोल और साथ ही एलन हेल्पलाइन नंबर्स की भी जानकारी दी। सभी स्टूडेंट्स इस सेशन का हिस्सा बनकर काफी उत्साहित और सकारात्मक नजर आए। कोटा में देश भर से आने वाले स्टूडेंट्स को सकारात्मक माहौल देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल सेशंस हो रहे हैं, समस्याएं सुनकर समाधान भी बताए जा रहे हैं। इस पहल के तहत संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया मैम,
जिला प्रशासन नोडल कोऑर्डिनेटर सुनीता डागा मैम और साइकोलॉजिकल काउंसलर पूर्ति शर्मा मैम ने एलन समरस ऑडिटोरियम में स्टूडेंट से संवाद किया और हर टॉपिक पर खुलकर बात की। एलन निदेशक नवीन माहेश्वरी सर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सेशन में छात्राओं ने मुख्य रूप से सोशल मीडिया से खराब होने वाले समय, बिगड़ते टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग के साथ साथ दिनचर्या और पढ़ाई को लेकर सामने आ रही तमाम समस्याओं के बारे में बताया। सभी बातों को गणमान्य व्यक्तियों ने ध्यान से सुना और स्टूडेंट्स को समझाया कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको आगे आकर कहना होगा। बोलना सीखिए, जो समस्या हो कोचिंग में बताइए, हॉस्टल में बताइए, वहाँ नहीं सुनी जाती तो हमसे कहिए, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी सर भी लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच में पहुंच रहे हैं और उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। एलन अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमेशा तत्पर रहता है और यही वजह है कि एलन समय समय पर सेफ्टी से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। हाल ही में एलन चंडीगढ़ की ओर से फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया गया कि एलन का स्टाफ आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित है और कोचिंग परिसर में सुरक्षा के तमाम उपकरण भी मौजूद हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट और टीम मेंबर्स को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। सभी स्टूडेंट्स और टीम मेंबर्स ने ट्रेनर्स की बातों को ध्यान से सुना और समझा। इस मौके पर चंडीगढ़ फायर सर्विस, पुलिस विभाग और नगर निगम के संबंधित अधिकारीगण और एलन टीम मेंबर्स मौजूद रहे। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।